क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। अ बैंक गिव्स 10.5% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बाय द सीनियर सिटीजन्स। ड्रॉ अ ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेम सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10.5% जो है सिंपल इंटरेस्ट है, जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे उस पर हमारा इतना 10.5% लगेगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट इसने ना इसने अमाउंट भी हमें दिया नहीं हुआ, तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ईजी सा ले लेंगे कि हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, हमने बोला फॉर एग्जाम्पल इसमें सोल्यूशन लिखा हमने ऐसे, हमने बोला लेट अमाउंट बी रुपीज 1000। ठीक है, 1000 हमने क्या ले लिया, अमाउंट ले लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10.5% ऑफ रुपीज 1000। तो कितना हो गया 10.5% या ज़्यादा 100, इसको हटा के मल्टीप्लाई रुपीज 1000। इसको हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे पॉइंट को हटाएगा तो नीचे कितना आता है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आता है, पॉइंट के बाद अगर मान लो दो नंबर है तो 100 आता है। तो 10 जब आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10 1000 हो जाता है। तो मैंने एक जीरो लगा दिया। अच्छा अभी क्या करेंगे, 30 से 30 कट गई, तो आंसर कितना हो गया रुपीज़ 105। इसलिए मैंने जानबूझ के 1000 लिया था ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगली बार 2000 ले लो, फिर 3000 ले लो, आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ में आ गया आपको। आगे हम करेंगे ये हो गया अमाउंट, अब हम बोलेंगे इफ, लेट से इफ अमाउंट, ठीक है, इज रुपीज 2000। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, सेम वही करेंगे, 10.5% ऑफ रुपीज 2000। ठीक है, तो कितना हो गया 10.5, 100 हटा दिया, जीरो ऐड हो गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई रुपीज 1 2 3। ठीक है, 3 से 3 कट गए रुपीज़, 2 को से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, तो 1 कम 2, 2 1 0। इसका इसका क्या हो गया, डबल हो गया, बेसिकली डबल हो गया ना, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब क्या करें बच्चों, अब हम निकालेंगे है ना, ऐसे हम ऐसे निकालते चले जाएंगे। एक बार हम 3 का निकाल लेते हैं, एक बार और निकाल लेते हैं। ठीक है, इफ अमाउंट इज रुपीज 3000। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 10 पॉइंट, जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3000, तो जगह कम थी तो हटा देंगे, जीरो ले लेंगे, 3 से 3 कट गए, अब 3 से मल्टीप्लाई कर 3 5 15, 3 1 3 रुपीज़, ये आ गया बच्चों आपका। अब क्या करेंगे, देखो हमें ग्राफ बनाना है, तो क्या करोगे, ग्राफ के लिए इन तीनों अमाउंट को हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 105 210 315। ठीक है, ये 1000 पे आया इतना, ये आया 2000 पे, ये आया हमारा 3000। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, देखो कैसे यूज़ करेंगे। आप चाहो तो 4 दिखा दो, 5 दिखा दो, जितना दिखाना दिखा दो। ठीक है, और आप पैटर्न समझ गए हैं, आप पैटर्न समझ गए हैं, आप दो बार निकालोगे तो अगर आप 1000 2000 3000 4000 ले तो आप पैटर्न समझ गए आपको क्या करना है, आप ऐडअप कर सकते हो। मैं एक ऐडअप करके दिखा दूंगा आपको। देखो अब यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, देखो 1000। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसमें हम ये हमें शो करना होगा अच्छे से थोड़ा। अमाउंट डिपॉजिट किस में है, रुपीज़ में है, ब्रैकेट में, ये भी रुपीज़ में है। ठीक है, हाँ जी, 1000 2000 3000 4000। मैंने 4000 का निकाला नहीं है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि पैटर्न बन गया था। 1000 पे कितना है 105, 2000 पे 210, 3000 पे 315, 4000 पे कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला आ गया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, 4 5 24 1 4 420 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम ऐसे बना देंगे, ऐसे डब्बा बन गया हमारा एक, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारा डब्बा बन गया, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। चलिए ये हमारा डब्बा बन गया। ठीक है, इसमें डब्बे में ऐसे बना सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, चलिए बन गया हमारा पूरा एक डब्बा। चलिए अब हम ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना देंगे, सारे नंबर प्लस के ना इसमें, दो ग्राफ बनाएंगे
ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई, ये होता है हमारा एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हो गया जीरो। अब देखो बच्चों, मैं क्या लूँगा, मुझे यहाँ पे वो लेना है जो मेरा ज़्यादा इजी बन जाए। यहाँ पे मैं लूँगा अमाउंट, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल दे, इसमें क्या होता है कि आप कहीं पर भी ले लो, आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लूँगा तो मुझे पैटर्न जो बनाना है ना, ये पैटर्न ठीक से बनेगा नहीं मेरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। देखो क्या किसका मैं गैप लूँगा, अगर मान लो मैं 100 लूँगा, फिर 200 लेना पड़ेगा, 300 लेना पड़ेगा, तो बन नहीं रहा। इसमें बहुत ईजिली बन जाएगा, देखो कैसे बन जाएगा। देखो यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे आप लिख देना क्या ये अमाउंट है, तो लिख दो अमाउंट, ठीक है, रुपीज़, ऐसे अमाउंट डिपॉजिट करके पूरा लिख सकते हो, मेरी जगह का मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे देखो हमें बनाना पड़ेगा, गैप हमारा सेम होना चाहिए। तो क्या लें, 105 है, तो अगर मैं लेता हूँ, अगर मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, आप ट्राई करना जब आप यहाँ पे बनाओगे ना, तो यहाँ पे आप ऐसा बनाना कि आपको इसके बीच में कुछ ना, मतलब सिंपल आ जाए, जो बिल्कुल सिंपल हो जाए, 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे वाले जो होते हैं ना, ऐसे वाले कि यार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट डॉट कहाँ पर आएगा, वो आप यहाँ पर लेना। देखो 105 है, तो अगर मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 300, 400, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 100 का ले लें, 100 का ले लेते हैं, चलो ठीक है। 100, 200, 300, और ये कितना है, 400, और ये 500, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे ये क्या आपका, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब देखिए 1000 पे कितना है, 105, 1000 ये था, तो 105 है, तो मैंने सबके बीच में कितने का गैप लिया है, 100 का गैप लिया है। इसका मतलब अगर ये मान लो 100 है और ये 200 है, तो इसके बीच में ग्राफ में कितनी लाइन होंगी, 10 लाइन होंगी, 1 2 3 4, मोटी वाली होती है, 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लाइन होंगी, ठीक है। हमें किस पे जाना है, 105 पे, तो ये जो 100 के ऊपर एक जो लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी, 10 वाली, 10 20 30, ऐसा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, 10 लाइन है, तो हर एक लाइन को मैं 10 नंबर देने हैं, ठीक है। तो ये लाइन है ये 10 वाली, लेकिन ये कितना है, 105, तो इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। तो मान लो ये पहली लाइन होगी मेरी, मान लो जैसे, मान लो जैसे, मान लो जैसे एग्जाम्पल, ये मेरी पहली लाइन है, तो इसके और इसके जस्ट बीचों बीच में यहाँ पर आएगा, तो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर डॉट मैंने लगा दिया, ठीक है। अच्छा 2000 पे है 210, 2000 पे 210, तो मान लो ये 200 वाली लाइन है, 200, तो इसके मतलब ये मान लो अब 200 हो गया, इसको 300 मान लो, तो जो पहली लाइन है, तो यहाँ पे जो पहली लाइन होगी उस पर आएगा, ये हो गया 210, तो ये मान लो अंदाजे से मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आप पैटर्न समझ गए, आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा ऐसे, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लीनियर ग्राफ है। अच्छा 315, 3000 ये रहा, 300 ये रहा, 300 400 के बीच में जो पहली लाइन है वो होगी 310, तो उसके बिल्कुल बीच 300, जैसे 300 ये होगी 400, पहली जो लाइन है यह 310 वाली है, तो इसके उसके बिल्कुल बीचों बीच में, मान लो ये पहली लाइन है, तो इसके उसके बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच में मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब वो कितना है मेरा, 4000, तो 4000 में कितना है बच्चे, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे ना 4000 में, तो वो है मेरा 420, तो 420 कितना है, 400, 400 500 के बीच में 10 लाइनें होंगी, जो दूसरी लाइन होगी ग्राफ पे, तो मान लो अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, मेरा अंदाजे से यहाँ पे बन गया, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे यहाँ से, है ना, यहाँ से इनको आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप ज्वाइन करोगे, मेरी सीधी लाइन बनी नहीं, आपकी सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए मैं दोबारा से रब नहीं कर रहा, क्या रब करूँ, आपकी सीधी लाइन बनेगी, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहो तो इसको आप यहाँ पे ला दो ऐसे, कोई मसला नहीं है, जीरो है ना, जीरो पे क्या है भाई, देखो जब अमाउंट जीरो होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी उस पर जीरो ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, पूरा ग्राफ बन गया, क्योंकि आपको टच करना होता है ये नीचे, यहाँ पे सीधे आएंगे ऐसे टच करना होता है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, जीरो पे जीरो ही होता है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ तक मत छोड़ना, कहीं यहाँ तक छोड़ गया था, इसको पूरा यहाँ पे टच करना जहाँ जा रहा था। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता, तो मैं इसको पूरा खींच के लाता और मैं इसको यहाँ पे टच करा देता इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा था तो मैंने नीचे खींच दिया, ऐसे हो गया, तो ये मेरा बन गया ग्राफ। अब इसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए इसको रब करता हूँ। पार्ट पे इसने बोला है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखूँ, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय अ सीनियर सिटीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल, ओके ये है, बाय आ सीनियर सिटीजन, ठीक है, फॉर एन इन्वेस्टमेंट, अरे इन्वेस्टमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है, फॉर, चलो यार पूरा लिख देते हैं, क्या होगी जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फॉर एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना ऑफ रुपीज़ 5,000, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। देखिए अब कैसे करेंगे,
5,000 रुपये कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10.5% निकालते हैं, हम बोलेंगे एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10.5% ऑफ रुपीज़ 5,000। 5,000 रुपये 10.5% निकाल दो, आ जाएगा आपका जैसे हमने पहले किया था सारे क्वेश्चंस, इसको हटाएंगे 10 आ गया। अगर आपको याद होगा तो बच्चों ऐसे हम कर रहे थे ना पैटर्न, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ये हो गया, इससे 3 काटो, ठीक है, रुपीज़ लगाओ, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5,000, 25, 5,000, 5, ये मेरा हो गया फर्स्ट का आंसर। तो एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल कितना होगा, 5 to 5। सेकेंड करते हैं इसको रब करके, सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द इन्वेस्टमेंट अ सीनियर सिटीजन, द इन्वेस्टमेंट अ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन ने जो क्या किया इन्वेस्टमेंट की, उसको करनी है, हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 2,625। कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए कि उसको जो है इंटरेस्ट मिल जाए 2,625। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एक्स नहीं मान लेंगे, हम बोलेंगे लेट इन्वेस्टमेंट बी रुपीज़ एक्स। फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सिंपल था, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो हमने कुछ लेट नहीं करा, फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। यहाँ पे क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो हमें 10.5% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही लगता है, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है तो उसको एक्स मान के करो, रुपीज़ एक्स हो गई, निकालेंगे हैंस 10.5% ऑफ एक्स, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया 10.5% ऑफ एक्स, कितना, अभी रुक जाओ, अच्छा चलो ऐसे कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ 2,625। ऐसे क्यों सर, इसने बोला है कि देखो कितना इन्वेस्ट किया जाए अमाउंट, कि जब हम, जब मान लो इसको भूल जाओ, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कोई अमाउंट मान लो हमें दिया होता, ये कह रहे हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए कि आंसर ये आए, मतलब कि इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट इसको बनाना है। तो मान लो अगर हमें यहाँ पे कोई अमाउंट दिया होता तो हम उसका 10.5% उसका निकालते, ठीक है, फिर जो आंसर आता ना वो यही आंसर आता, अगर उसको यही आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया, क्योंकि हमारे पास x है, हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, जब हम इसका x, यहाँ पे कोई नंबर होगा, उस नंबर का जब हम 10.5% करेंगे ना तो यही आंसर आएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे करा है। तो देखो 10.5 100, इसको हटा के एक और मल्टीप्लाई में x इक्वल्स टू रुपीज़ 2,625, इसको वहाँ भेजो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये ऐसे हो गया बच्चों, ये डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, अब देखिए x है तो रुपीज़, अब हमें x निकालना है तो इसको बॉर्डर पार कराओ, ये मल्टीप्लाई वाला बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में, काफ़ी सिंपल रूल्स हैं हमारे, 105, ठीक है। अब देखो 105 का जब आप टेबल पढ़ोगे ना 25 बार तो 2,625 आएगा, जो ऐसे नहीं करना चाहता वो ऐसे करे, या तो इसका टेबल पढ़ दो 2 बार, मतलब 25 बार जो डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर दो, है ना, जैसे आपको दिखाई देते हैं, देखो 105 2,625, तो 20 इसको 2 बार पढ़ो तो कितना आएगा, 2 5 10 2, ये आ गया कितना बचा 2, 6 में से 1 गए 5, ये उतारो 5, अब इसको 5 बार मल्टीप्लाई करो, अब हमने पहले किया भी था हमने, तो 5 to 5 आएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 25, मल्टीप्लाई कर दो, सो रुपीज़ 25 को मल्टीप्लाई करोगे 2,513, ठीक है, तो हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है 2,520, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी, कोई भी स्टेटमेंट बना दो, रुपीज़ 2,513, ठीक है, कंप्लीट कर दो, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रुपीज़ इतनी टू गेट एन एनुअल SI ऑफ रुपीज़ 2,625। अब ध्यान दो, अब इमेजिन करो कि आपको ये 25,000 रुपये दिया होता, मतलब ये आपको दिया होता 25,000, तो अगर आपसे बोलते बताओ 25,000 पे आप इंटरेस्ट निकालो, तो आप 10.5% ऑफ 25,000 करते, जैसे आपने किया था 10.5% ऑफ 1,000, 2,000, 3,000, 25,000 करते, तो जब आप 25,000 करते ना तो आपका यही आंसर आता 2,625, मतलब इंटरेस्ट इतना निकलना था, तो यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, ये ना देखे ये दे दिया, बताओ कितना आएगा, तो हमने एक्स मान लिया और हमें बताता कि ये जब इसका भी हम आंसर निकालेंगे तो यही आंसर आने वाला है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर दिया सॉल्व।